लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुरुदेव, अब आप बताइए गौरी मंदिर से शिव धनुष स्वयंवर सभा में कब लाया जाए? राजन, स्वयंवर से 7 दिन पूर्व माघ की शुक्ल अष्टमी को यह कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। महामंत्री जी, गौरी मंदिर से शिव धनुष स्वयंवर सभा में लाने का प्रबंध किया जाए। अवश्य महाराज। महाराज, मैंने उस भारी शिव धनुष को लाने के लिए रथ और सैनिकों की व्यवस्था कर दी है। गुरु याज्ञवल्क के बताए शुभ मुहूर्त पर विधि पूर्वक हम वो शिव धनुष स्वयंवर सभा में स्थापित कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए महाराज। धन्यवाद महामंत्री जी। हमारे मिथिला वासियों को इसकी सूचना दे दी जाए ताकि वो भी शिव धनुष के दर्शन कर सके। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारों, प्रणाम। राजकुमारों, महाराज दशरथ ने आपके लिए संदेश भेजा है। संदेश? कैसा संदेश? अयोध्याधीश महाराज दशरथ ने आपसे जनकपुरी पहुंचने का अनुरोध किया है। जनकपुरी? लक्ष्मण, हम तो यहाँ गुरु विश्वामित्र के अनुचर हैं। उनकी आज्ञा के बिना हम कहीं भी कैसे जा सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं भैया, गुरुदेव की अनुमति के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। परंतु महाराज की आज्ञा है कि उत्तम यही होगा कि तुम अपना यह संदेश गुरु विश्वामित्र को सुना दो, फिर वो हमें अपना निर्णय सुना देंगे। जो आज्ञा। चलिए युवराज। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, तुम कौन हो वत्स? गुरुदेव, इन्हें पिताश्री ने हमारे लिए एक संदेश देकर भेजा है। मित्रसेन, गुरुदेव से निवेदन करो। गुरुदेव, महाराज जनक शिरध्वज ने जनकपुरी में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है। महाराज दशरथ का अनुरोध है कि उनके दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर में सम्मिलित हों। यह तो बहुत ही शुभ संदेश सुना है तुमने मित्रसेन। हम तो स्वयं उत्तर दिशा की ओर जाने का विचार कर रहे थे। अब इन राजकुमारों को लेकर हम जनकपुरी भी पहुंच जाएंगे। अच्छा मित्रसेन, महाराज ने यह भी बताया होगा कि हमें कब तक वहां पहुंच जाना चाहिए? हाँ गुरुदेव, माघ शुक्ल नवमी को सीता स्वयंवर की घोषणा की गई है। अति शुभ। अभी तो बहुत समय शेष है, परंतु हम वहां अवश्य पहुंच जाएंगे। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। महाराज को बता दूंगा कि आपकी आज्ञा अनुसार दोनों राजकुमार स्वयंवर में पहुंच जाएंगे। अवश्य। और महाराज को हमारी ओर से यह भी कहना कि आपके दोनों वीर राजपुत्रों ने हमारी अपेक्षा से अधिक कार्य कर दिखाया है। अब राक्षस इनसे भयभीत होने लगे हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं आपका यह संदेश महाराज तक अवश्य पहुंचा दूंगा। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। प्रस्थान करो मित्रसेन, निर्विघ्न अयोध्या पहुंचो। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। लंकावती की ओर इस तरह क्या देख रही हो महारानी मंदोदरी? कुछ नहीं स्वामी, आपके कुशल क्षेम के बारे में ही सोच रही थी। कुशल क्षेम?
हमारी कुशल क्षेम हमारे इन शक्तिशाली बाहुओं में बसी है। कौन है ऐसा इस संसार में जो रावण की कुशलता को छेड़ने का साहस कर सके? मैं जानती हूँ ना, आप और भी शक्तिशाली विश्व विजय बने, यही मेरी कामना है। वो तो बात की बात है, कुछ और है तुम्हारे मन में जो तुम्हारे मन को कुरेद रहा है। तुम हमसे अपने मन की बात छुपा नहीं सकती, बताओ क्या है तुम्हारे मन में जो हमारे डर से तुम कह नहीं पा रही हो? मैं चाहती हूं कि आप ऐसे स्वयंवर में ना जाएं, जहां आपको बुलाया ना गया हो। तुम राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर की बात कर रही हो? अभी तो उसने हमारे गले में वरमाला डाली भी नहीं और तुम्हारे मन में सौत के लिए जलन भी पैदा हो गई। ऐसी बात नहीं है स्वामी। तुम रावण की पत्नी हो, इसलिए हम पर से अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती। इस बात का हमें पता है, हमने तो अभी जनक नंदिनी सीता को देखा भी नहीं जो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए हों। मैं सच कह रही हूं स्वामी, मेरे मन में वैसे कोई बात नहीं। यदि आप और विवाह करके लंका की रानियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे ना तो कोई अधिकार है ना आपत्ति, परंतु मैं आपके मान सम्मान की रक्षा करना चाहती हूँ। मान सम्मान सदा शक्तिशालियों को ही मिलता रहा है और मिलता रहेगा मंदोदरी। हमारे भय से भले ही राजा जनक ने हमें निमंत्रण ना भेजा हो, परंतु जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां उपस्थित सभी राजा महाराजों से अधिक मान सम्मान के अधिकारी हम ही होंगे। यदि देखना चाहती हो तो चलो हमारे साथ जनकपुरी और देख लो कि लंकापति के सामने सब कितने बौने दिखाई देते हैं। आप सत्य कह रहे स्वामी, परंतु तुम व्यर्थ की बातों में उलझकर हमारा समय नष्ट कर रही हो। बस अब हमारा तिलक करो और हमारे सफल होने की कामना करो। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूं ना। नहीं चाहिए तुम्हारा ये तिलक। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयंती भवती भागीरथी प्रार्थये त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस् त्वद्वीचिषु प्रेमखतस् त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्याम्ने शरीरव्ययः त्वत्तीरे तरुकोट। गुरुदेव, ये गंगा नदी से उठती हुई ध्वनि कैसी है? राम, ये ध्वनि गंगा के पावनता की प्रतीक है। इस पावन जल को प्रणाम करो वत्स। मत्स्योत्थवा कच्छपः
नैवान्यत्र मदान्धसिन्धु। गंगा मैया तो स्वर्ग की नदी है गुरुदेव, इसलिए इसे सुरसरी भी कहते हैं। गुरु वशिष्ठ ने हमें यही बताया था। तुम सत्य कह रहे हो लक्ष्मण, गंगा स्वर्ग से उतरकर ही इस पृथ्वी पर आई है और इसे पृथ्वी पर लाने का श्रेय तुम्हारे पूर्वज सूर्यवंश के प्रतापी नरेश महाराज भगीरथ को है। महाराज भगीरथ? क्या वे हमारे पूर्वज थे गुरुदेव? हाँ लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ ने सूर्यवंश की वंशावली के बारे में हमें बताया था। हमारा वंश सूर्यदेव से प्रारंभ हुआ है, इसलिए सूर्यवंश कहलाता है। क्यों गुरुदेव? हाँ राम, गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का श्रेय सूर्यवंश को ही है, जिसके तुम भी एक कुलदीपक हो। सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराज भगीरथ हमारे पूर्वज थे गुरुदेव, वे कितनी पीढ़ियों पहले हुए थे? महाराज भगीरथ की 10वीं पीढ़ी में तुम्हारे पिता दशरथ का जन्म हुआ था। गुरुदेव, गंगा नदी के पृथ्वी पधारने की पावन कथा हमें भी सुनाइए। अवश्य, आओ वत्स। शुभ कार्य वारे भगीरथ के प्रपितामह सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसी अश्वमेध यज्ञ से प्रारंभ होती है गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कथा। अयोध्या नरेश महाराज सागर ने प्रजा के कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और विश्व विजय के लिए श्यामकर्ण नामक एक अश्व को अयोध्या से विश्व भ्रमण के लिए छोड़ा गया, किंतु बीच में ही इंद्र ने अश्व को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कुछ समय के पश्चात जब सागर के पुत्र अश्व को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर ही अश्व को चुराने का आरोप लगा दिया। ये सुनकर कपिल मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला में सभी पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। अपने इन्हीं पुरखों की शांति के लिए भगीरथ ने तपस्या प्रारंभ की। आगच्छ वरदे गंगे सर्व पाप प्रणाशिनी, पूजां गृहाण मद्देवी, नमस्तुभ्यं हरिप्रिये। दर्शन की कामना करे भगीरथ प्रार्थना, ले दर्शन की कामना करे भगीरथ प्रार्थना, शापितों पे करुणा विचारो, ओ शापितों पे करुणा विचारो, ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो, ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो। विष्णु चरण पखारिनी ब्रह्म कमंडल वासिनी, विष्णु चरण पखारिनी ब्रह्म कमंडल वासिनी, मृत्यु लोक की ओर भी निहारो, ओ शापितों पे करुणा विचारो, ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो, ओ गंगा मैया स्वर्ग से पधारो।
दर्शन पाकर मन वांछित वर तुमसे पाने में, तीन पीढ़ियां विफल हो चुकी तुम्हें मनाने में, तुम ही सक्षम पाप ताप संताप मिटाने में। गंगा मैया मुनि के श्राप से भस्म हुए पूर्वज मेरे, क्रोधित मुनि के श्राप से भस्म हुए पूर्वज मेरे, माप मेरी विनती न टारो, ओ शापितों पे करुणा विचारो, ओ गंगा मैया भूमि पे पधारो, ओ गंगा मैया स्वर्ग से पधारो। हे माँ, मेरी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ। हे माँ, पृथ्वी पर पधार कर मेरे भस्म पूर्वजों का उद्धार करो, उद्धार करो माँ। वत्स भागीरथ, तीन पीढ़ियों से सूर्यवंश के नरेश मेरी आराधना कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ, परंतु मैं विवश हूँ, मैं पृथ्वी लोक पे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? पृथ्वीवासी तो आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। मैं स्वर्ग सरिता हूँ भागीरथ, मेरी जल का प्रवाह प्रलयकारी है, यदि मैं पूरे वेग से धरती पर आ जाऊंगी तो पृथ्वी मेरा वेग रोक नहीं पाएगी और मैं पृथ्वी को तोड़ती हुई पाताल लोक पहुंच जाऊंगी। पाताल लोक? ऐसा ना कहो माते। मैं सत्य कह रही हूँ भागीरथ, मेरा तीव्र वेग रोकने की शक्ति केवल एक ही शक्तिमान में है। कौन है वो शक्तिमान? देवों के देव महादेव, शक्ति के नाथ शंकर। यदि वे मेरा वेग स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो तो मैं तुम्हें धरती पे आने का आश्वासन दे सकती हूँ। परंतु शिव कैसे प्रस्तुत होंगे माँ? भगवान शिव आशुतोष परम दयालु है, यदि तुम उनसे प्रार्थना करो तो वो तुम्हारे पुरखों और जगत का कल्याण करने के लिए अवश्य प्रस्तुत होंगे। शिव के पास जाकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तुम उनसे प्रार्थना करो भागीरथ।